कंसल न्यूज मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर डीजी आर के विज फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 जुलाई को भी पॉजिटिव पाए गए थे आर के विज, रविवार को फिर से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ के दूसरे आईपीएस हैं जिन्हें फिर से कोरोना हुआ है। शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में वो शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री निवास में साइबर थाने के लोकार्पण में वो मौजूद थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, चिंता का विषय है। मोहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, चिंता का विषय है मोहन। कहीं ना कहीं फिर से कोरोना हो रहा है लोगों में और चिंता बढ़ाएगा, प्रशासन की चुनौतियां भी यहां पर बढ़ाएगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ देखिए अभी उस स्टेज में है जब लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से इस संख्या में जो है वो कमी दर्ज की गई है। लेकिन एक चिंता की बात ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना का पॉजिटिव फिर से जो है वो दर्ज किया गया है, और ये इस वजह से क्योंकि उनके जो लक्षण हैं वो फिर से उभर के आए थे। और ऐसे दो बड़े उदाहरण हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिलते हैं, जो दोनों आईपीएस हैं और उन्हें कोरोना हुआ था जून जुलाई के महीने में, और उसके बाद अब फिर से जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरीके का ये दूसरा प्रकरण बड़े जो शख्सियत हैं उनमें देखने को मिला है। हालांकि जो आम लोग हैं उनमें भी ऐसे कुछ जो उदाहरण हैं वो हमें देखने को मिले हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ये वो स्टेट है जब पीक के बाद छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण की संख्या है वो लगातार अब कम होगी, लेकिन ये दूसरी बार जो कोरोना पॉजिटिव होने के मरीज मिल रहे हैं वो जरूर चिंता बढ़ाने वाला है। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कोरोना हो गया है तो दोबारा नहीं हो सकता। हमारे सामने एग्जाम्पल हैं डीजीआर के विज जो फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं रविवार को फिर से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।